नारायण, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अभी के अभी पत्थर के बन जाएंगे। महादेव, महादेव, नारायण आपके समक्ष पाषाण हो गए और आप वहां तनिक भी व्यथित नहीं हुए। क्यों महादेव? नारायण का पाषाण हो जाना इस संसार में यदि सबसे अधिक पीड़ा किसी को दे सकता है तो वो स्वयं शिव है, तो वो स्वयं शिव है, तो वो स्वयं शिव है। किंतु न्याय के आगे शिव को भी झुकना पड़ता है देवी। और मैं कैसे जीऊं आपके इस न्याय के साथ महादेव? कैसे रहूं अपने नारायण के बिना? महादेव, यदि नारायण ने तुलसी के पतिव्रता धर्म को भ्रष्ट ना किया होता तो आप कभी शंखचूड़ का व्रत नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। किंतु आपने क्या किया? आपने नारायण को पाषाण बन जाने दिया। ये न्याय तुलसी के लिए हो सकता है किंतु लक्ष्मी के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए नहीं। उत्तर दीजिए महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे आपकी पीड़ा का आभास है देवी लक्ष्मी, किंतु यह युद्ध शिव का था और शिव के युद्ध में छल के लिए कोई स्थान नहीं। यदि मैं शंखचूड़ को नहीं हरा पाता तो ये युद्ध सर्व सर्वदा क्यों ही चलता रहता? या मेरा एक रूप संसार के समाप्त होने तक शंखचूड़ से युद्ध करता रहता या फिर कोई और मार्ग चुनता? परंतु महादेव, नारायण ने जो किया उसका उद्देश्य उचित था। नारायण ने जो किया उचित अवश्य था, परंतु कृत्य अनुचित था ब्रह्मदेव। परंतु महादेव, इतना कठोर दंड। पतिव्रत भंग करना सबसे बड़ा अपराध है। दंड तो नारायण को भोगना ही था, भोगना ही था, भोगना ही था। किंतु महादेव, नारायण के बिना ये संसार कैसे चलेगा? प्रभु, नारायण ने सदा से ही सृष्टि के पालनकर्ता होने का दायित्व निभाया है। अब उनके बिना ये सृष्टि चक्र पूरा का पूरा डगमगा जाएगा। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। जिन्होंने तब कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे? We'll be right back.
महादेव को स्थिति तब संभालनी चाहिए थी जब देवी तुलसी नारायण को श्राप दे रही थी। और महादेव आप चाहते तो नारायण और देवी तुलसी के बीच में आ सकते थे, तो देवी तुलसी नारायण को श्राप दे ही नहीं पाती। बात न्याय की थी कार्तिकेय, और न्याय के मध्य तो शिव भी नहीं आ सकते। महादेव बात उद्देश्य की थी, आप तो सबसे बड़े हैं ना, देवों के देव महादेव है ना आप, आपके लिए क्या संभव है, आपसे बढ़कर क्या है महादेव? नैतिकता, जो मुझसे भी ऊपर है। एक स्त्री के पति की हत्या हुई, वो भी छल से, उससे अपने क्रोध को जताने का अवसर छीनना अनैतिकता होती। छल होता देवी तुलसी के साथ, इसलिए मैंने जो भी किया न्याय संगत किया, न्याय संगत किया, न्याय संगत किया। नमो जी, हम दोनों भाई शुंभ और निशुंभ ने अपने भाई नमोजी की सौगंध खाई थी, तुम देवताओं से युद्ध नहीं करेंगे, किंतु देवराज ने तुम्हारे भाई को ही मार डाला गुरुदेव। अब मृत्यु का द्वार वो खटखटाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। मैं और शुंभ, हम दोनों भाई युद्ध भी करेंगे और विजयी भी होंगे। अब तो वो कपटी नारायण भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तीनों लोकों में हम असुरों का ही आधिपत्य होगा। असुर साम्राज्य के सेनापति नमोजी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रतिशोध लिया जाएगा, और इस बार विजय हमारी होगी। सर्वशक्तिशाली महादेव, जिनके समक्ष सभी देवी देवता नारायण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वो महादेव हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था, बताइए महादेव, क्या कण कण को शिव कर देने वाले महादेव, एक पाषाण को नारायण नहीं कर सकते, एक पाषाण को नारायण नहीं कर सकते, एक पाषाण को नारायण नहीं कर सकते। या फिर आपकी चिंता व्यथा मिथ्या है। वो तुलसी जो असुरों के साथ खड़ी है, उसको लेकर इतनी विवशता, इतनी नैतिकता क्यों महादेव, क्यों? कार्तिके, पहले इसे सुलझाओ। और ध्यान रखना कि धागा बीच में से टूटे ना। लो,
जाए ये उलझे धागे। महादेव मुझे सुलझाने को कह गए,